हमारे चैनल टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोवेव में पनीर टिक्का कैसे बनाया जाता है। पनीर टिक्का बनाया कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री सेल्सियस पे। आइए पहले इसकी पेस्ट तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही लिया है जी। 1 टेबलस्पून इसमें हमने बेसन लिया जी, और 1 टीस्पून हमने हल्दी, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। ये हमने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे, साथ में आप अदरक और लहसुन की पेस्ट यूज कर दीजिए, नहीं है तो आप उसको क्रश करके भी यूज कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और इसमें स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए ना हमने 1 टीस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल यूज करना है। इससे फ्लेवर स्मोकी जूस आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसमें हम पनीर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसमें पेस्ट लगाएंगे। फिर इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लीजिए और प्याज। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें। फिर उसके बाद हम माइक्रोवेव पे इसको बनाएंगे। अभी आधा घंटा हो चुका है तो हम अभी तैयारी करते हैं इसे। ऐसे बनाते जाएंगे। उसको हम ग्रिल को ऑयल कर लेंगे और उस पर रखते जाएंगे। ऑयल कर लेंगे अच्छे से। और इस पर हमने रखते जाना जी। उसके बाद हमने माइक्रोवेव पे जाना है। कन्वेक्शन डिग्री 200 डिग्री पे जाके ना इसको पहले प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट के लिए सीधे स्टार्ट कर दीजिए तो प्रीहीट भी चले गए। तो आइए तब तक ये लगाते रहते हैं हम और उसको प्रीहीट होने देते हैं। अपने हिसाब से आप जैसे मर्जी चाहे लगा सकते हो, जो जैसे लगाना चाहते हो। हमारे पास ये टूथपिक थी तो हमने इससे बना लिया। अगर आपके पास कोई और स्टिक यूज़ करना चाहते हैं, आप कैसे भी आप स्टिक यूज़ कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो। ये हमारा लगभग तैयार है।
माइक्रोवेव में भी बीप देना स्टार्ट कर दिया, ये भी प्री हीट हो चुका है, तो अभी हम इसमें रखते हैं। इसको आप बंद कर दीजिए, इसको हम रखेंगे अंदर। आप चाहे ट्रे के ऊपर भी रख सकते, निकालना चाहते हो निकाल भी सकते, वो आपकी इच्छा है, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप ट्रे के ऊपर रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो। अभी आपने दोबारा पे कन्वेक्शन से जा, कन्वेक्शन मोड पे जाके 200 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, 10 मिनट का टाइम देना और स्टार्ट कर देना, और 10 मिनट के बाद हम ये आपका पनीर टिक्का तैयार होगा। अभी पनीर टिक्का बन रहा है। जब भी हमने कन्वेक्शन मोड चलाना है उसमें हमने प्लास्टिक यूज नहीं करना है, प्लास्टिक यूज करोगे तो वो आपका प्लास्टिक का बर्तन है वो खराब हो जाएगा। कन्वेक्शन मोड में आपने ग्रिल स्टैंड यूज कर सकते हो, मेटल यूज करना है बेसिकली आपने, तो ये यूज होगा। आप प्लास्टिक यूज करोगे तो वो खराब हो सकता है। स्टिक्स भी यूज करनी है, वो आप प्लास्टिक की यूज मत कीजिए। कई हमारे मतलब कि मेरे को मैसेज आते हैं कि हम केक के बारे में आते हैं, तो केक अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हो तो आप माइक्रो मोड में बनाओ, 6 मिनट में बन जाता है। कन्वेक्शन मोड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं केक की रेसिपी लाऊंगा जल्दी से, वो भी बनाना सीखेंगे हम। बस हमारा केक टिक्का रेडी होने वाला है। इसको कलर थोड़ा ब्राउन देने के लिए हमने इसको ऑयलिंग करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको हमने 5 मिनट के लिए और चला देंगे। तो अभी 10 मिनट का टाइम होने वाला है, तो अभी हम निकालेंगे और इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे। दोबारा से लगाएंगे इसको, 5 मिनट का टाइम देंगे, इसमें इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये गर्म होगा, ध्यान से उठाना है इसको। कन्वेक्शन मोड यूज कर रहे हैं तो इसमें मेटल हीट होता है, तो ये आपने ध्यान से रखना है। दोबारा से हमने 200 डिग्री पे गए, 5 मिनट का टाइम देकर स्टार्ट कर दिया। अभी हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इसको निकाल के, जैसे कि इसका कलर ब्राउन हुआ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसमें ब्राउनिश थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। अभी पनीर टिक्का हमारा स्टार्ट बन चुका है, बस 10 सेकंड रह गए हैं। इस तरह से आप पनीर टिक्का बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है। और टोटल इसमें हम कन्वेक्शन मोड पे आपको लगभग 15 मिनट लग जाते हैं, तो इससे आपका अच्छा पनीर टिक्का बन जाएगा। तो इसको ध्यान से आपने यही कि ये चीज़ों को ध्यान से रखना है, ये सारी चीज़ें गर्म होगी बहुत ज़्यादा, तो आपने इसको ध्यान से उठाना है। माइक्रो मोड में जो है इतना गर्म नहीं होती, लेकिन अगर हम ग्रिल मोड या कन्वेक्शन मोड चलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे टच ना करें, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। किसी कपड़े की सहायता या ग्लव्स वगैरह पहन के आप इसको उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।